शिवम। एक बार एक साधक ने प्रश्न किया कि गुरुजी, मैं एक लड़की से इतना प्रेम करता हूँ, उसके आकर्षण में मेरा मन इतना बंधा रहता है कि उसके अलावा मुझे दुनिया में और कुछ चीज दिखाई नहीं देती, उसके बगैर जीवन में कुछ चीज़ का आनंद सा महसूस कभी नहीं होता। तो मैंने उस बात पे सोचा और यह जानना चाहा और साधक को समझाना चाहा कि वास्तव में आकर्षण होता क्या है। स्त्री के साथ रहते रहते तुम्हें उसकी एक आदत सी हो जाती है और उसी आदत को व्यक्ति प्रेम, आकर्षण, जो भी शब्द देना चाहे या बनाना चाहे वो बना लेता है कि ऐसा होता है, प्रेम है, ये है, वो अलग अलग शब्द बना लेता है। ये गलत नहीं होता है। हमें किसी चीज़ के आकर्षण के प्रति सही दिशा से सोचना चाहिए। जैसे मैं एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। हम कहते हैं कि ये स्त्री बड़ी खूबसूरत है, इसमें आकर्षण है, इसके गुण है ये, इसके कारण से मैं इसको ही प्रेम करता हूँ, लाइक करता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई दूसरी स्त्री या पसंद नहीं आती। तो एक बात को गौर करना, आकर्षण रूप से नहीं होता है, आकर्षण इंसान की मानसिकता से उत्पन्न होता है। जो भी तुम मानसिकता जिस व्यक्ति के प्रति रखते हो, वैसा तुम्हारा मन तुम्हें तैयार कर देता है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। हम पशु पक्षी लाते हैं, गाय लाते हैं, कुत्ता लाते हैं, मछली पालते हैं, चिड़ियाएँ पालते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग जानवर पालते हैं। पर क्या आपने कभी गौर करा है कि उन जानवरों में आकर्षण कहाँ होता है, उनमें खूबसूरती कहाँ होती है? वास्तव में उन खूबसूरती का सिद्धांत नहीं होता है। हमने जिसको जैसी धारणा से देखना शुरू कर दिया, वो वैसा ही दिखाई देगा। अगर हम सोचें कि अरे ये कुत्ता तो बड़ा बेकार है, बदसूरत दिख रहा है, भयानक दिख रहा है, तो वो अचानक ही भयानक सा दिखने लगेगा। और वहीं भयानक कुत्ते को कहें कितना आकर्षक है, कितना अच्छा है, और मन में एक धारणा बना लेंगे, अरे भेड़िया तो कैसा अच्छा लगता है, शेर कितना अट्रैक्टिव लगता है, तो शेर भी आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। वास्तव में हमारी मानसिकता ही आकर्षण पैदा करती है। तुम किसी रोड से कुत्ते के बच्चे को उठा लाओ, कुछ दिन उसके साथ खेलो, उसके साथ रहने लग जाओ, तो तुम्हें उसमें भी आकर्षण या एक तरह से लगाव सा महसूस होने लग जाएगा। और यही चीज हमारे भौतिक संसार में भी काम करती है। और यही वस्तु और यही नियम हर जगह लागू होता है। इसी नियम के कारण इंसान स्त्री पुरुष में आकर्षण देखता है। इसी कारण से हर चीज आकर्षण का केंद्र बन जाती है। सोच के देखिए कि जो कहे गे कहा जाता जिन्हें, यानी जो ना स्त्री होते ना पुरुष होते, उन्हें पुरुष में पुरुष आकर्षण दिखता है। जो स्त्री गे या अलग शब्द कुछ कहते होंगे, पता नहीं उसका मुझे, तो उसे स्त्री को स्त्री में आकर्षण दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो भी आकर्षण है वो वास्तव में हमारे द्वारा निर्मित किया जाता है। हम अगर किसी को कह देगी बड़ा बदसूरत है, तो हम कितने भी उसके साथ साल रहते हो, यानी हम कई सालों से उसके साथ लाइफ जी रहे हो, रिलेशनशिप में रह रहे हो, पर अचानक ही उसका मन बदलेगा और वो भी बदल जाएगा और अचानक ही तुम्हें वो बदसूरत दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए आकर्षण की जो थ्योरी होती है वो तुम्हारे मन के द्वारा होती है। मजबूत व्यक्ति कभी किसी के आकर्षण में नहीं बनता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रकृति में हर चीज बदलती रहती है, हर चीज कभी भी लुप्त हो सकती है, कभी भी समाप्त हो सकती है। तो इसलिए सिद्ध व्यक्ति, हठ योगी कभी भी किसी के भी आकर्षण में नहीं बनते। हाँ, सबका साथ जरूर रहते हैं,
सबके साथ भी रहते हैं, सबसे दोस्ती भी रखते हैं, पर उस दोस्ती उस रिश्ते से मजबूर या बंधे नहीं होते, और वही कारण से वो सन्यासी और सिद्ध होते हैं। शिवम।